अस्सलाम वालेकुम वर्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत होंगे। तो आज फिर सुबह सुबह इंशाल्लाह आप लोगों के साथ पूरे दिन की रूटीन, और आज मैं यहाँ से भी सीधा निकलूंगा क्योंकि आज फ्राइडे है। तो फ्राइडे में जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम तो बंद है, लेकिन बाइक की जो वर्कशॉप है वो लड़के से मैंने बात की थी फोन पे, तो उसने बोला कि जुमे को इंशाल्लाह खुलेगी। तो अब यहाँ से हम लोग सीधा वहां पे जाएंगे बाइक ठीक करवाने के लिए। लेकिन एक आप लोगों के साथ एक जरूरी 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 जो है बात शेयर करनी थी कि ये जो जहाज है, ये जो हमें कल मिला था, ये हम लोगों ने इसको वापस करना है। तो मेरे ख्याल में इसके अलावा और कोई तरीका नहीं हो सकता, या कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम लोग उसको किस तरीके से जो है वो वापस कर सकें। तो असद भाई को भी पसंद तो आया, चीज तो अच्छी है, बच्चे भी कहते हैं कि यार बड़ी कमाल की चीज है, इस पे रिमोट वगैरह लेके आए, इसको उड़ाएंगे। लेकिन फिर भी वो उनका भी जो है ओपिनियन देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। लेकिन हम लोग ये चाह रहे हैं कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उस बंदे तक पहुंच जाए जिस बंदे का ये जहाज है, ताकि हम लोग उसको वापस कर सकें। क्योंकि वो कमेंट में हमें बताएगा कि हाँ ये जहाज मेरा था, गायब हुआ, और कौन से इलाके से है वो मुझे बताएगा। मुझे तो पता है कहाँ से ये जो है कौन से इलाके में था ये गिरा, लेकिन अभी एग्जैक्टली उसका घर या उसका एड्रेस मुझे नहीं पता कि ये किसका है। सो काइंडली आप लोग जो है मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो मेरी वहां तक पहुंच जाए जिस बंदे का ये जहाज है। ओके हो गया, अभी दूसरों के ओपिनियन लेते हैं, दूसरों से पूछते हैं कि उनकी क्या राय है, फिर आप लोगों के साथ दूसरी बातें इंशाल्लाह जरूर करते हैं। तो अभी जो वो सबसे पहले जो है इसके बारे में हम असद भाई से पूछते हैं, और बाकी की उसकी डिटेल जो है सारे दिन की वो भी देखते हैं कि असद भाई की आज की सारे दिन की रूटीन क्या है, उसको क्या क्या चाहिए या क्या हिसाब किताब, सारी बातें उससे आज इंशाल्लाह करते हैं। असद साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपने नाश्ता वगैरह कर लिया नहीं किया, दवाई का क्या सूरत हाल है? नाश्ता कर लिया, दवाई खा ली, इंजेक्शन की समझ नहीं आई, इंजेक्शन खत्म हो गए, पता नहीं पूरे हुए कि वैसे ही गुम हो गए। नहीं, आपको पता ही नहीं, ना किनोले का पता होता है ना इसका इंजेक्शन का पता होता है, ये तो आपके लोग आया ना फिर दोबारा से एक इंजेक्शन के लिए। और ज्यादा नहीं हो, मुझे तब भी तीन इंजेक्शन पड़े होंगे, लेकिन नहीं, चार हम लोग पहले लेके आए थे, छह बाद में लेके आए थे, तो मेरे घर में पूरे हो जाने चाहिए थे, गायब नहीं होने चाहिए। आइडिया तो मेरा भी यही है, जुम्मे वाले दिन हम लोग वहां से आए थे, जमा हो गया। चलो खैर, अल्लाह मालिक, जो हो गया सो हो गया। अच्छा, तो आज और कुछ चीजें वगैरह मंगवानी है तो बता दें ऑनलाइन मेरे व्यूवर्स को भी, ताकि पता हो। चीजें तो नहीं, लेकिन जहाज का तो कुछ करें यार, इसके बारे में मुझे बताओ यार क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं रात को जो पिछली वीडियो व्यूवर्स है शायद आप लोगों ने देखी होगी वीडियो मेरी, लास्ट पे भी जो ना मैं कह रहा था कि यार असद भाई को दिया तो है, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूज है इसमें कि यार रखें ना रखें क्या करें। नहीं, एक्चुअली ये ना कि मतलब ऑब्वियसली कोई उड़ा रहा होगा बेचारा, तो उसी का आया होगा हवा की वजह से, जिस तरह से भी, तो मेरा ख्याल है कि ये गुजरे वाला के अंदर अंदर का ही होगा, ऑटो सीट तो नहीं जा सकते। नहीं, जाहिर सी बात है गुजरे वाले के अंदर का ही है। जो जो आपके जानने वाले गुजरे वाले से बिलोंग करते हैं उनके साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो ये जहाज है वो मैं कमेंट बॉक्स में जब लोकेशन बता सकते हैं अपनी, तो फिर जाना वो इंशाल्लाह उन तक जब हम पहुंचा देंगे। तो FX820SU-35 ठीक है, चाइना एयरफोर्स ठीक है। और ये जहाज है, ये तसल्ली से जाना इसकी पिक्चर वगैरह देख ले, ये वाला जहाज है। तो बाकी इसके अलावा इसके दो मोटरें लगी हुई है जी, और इसकी जो ये है कौन है, इसके ऊपर टेप भी लगी हुई है। अब जब उम्मीद है कि एग्जैक्ट बंदा जब पहुंच जाएगा, तो ये रहा जी जहाज, तो इसको वापस ही करते हैं जी व्यूअर्स, क्योंकि इस तरह जाना वो नहीं सही, मजा नहीं आ रहा, खुद जन इंसान कंफ्यूजन होना तो मजा नहीं आता उसका। हम खुद खरीद लेंगे अपने लिए अगर जरूरत पड़े तो, लेकिन मेरे ख्याल में है तो वैसे परफेक्टली मजे का। तो जल्दी से शेयर कीजिएगा, ताकि उसकी जो अमानत वाई फाई था मुझसे जा सके, कि ऐसा ना हो कि अब्दुल्ला लोन की टाइट जड़े उन्होंने पकड़ के जब से बात है, हल्का सा तो है प्लास्टिक का, इस तरह किया तो नहीं है, ये वो शीट है, फाइबर शीट दूसरी। खैर एनीवे, जो भी हो जिसकी चीज है उस तक पहुंच जाए तो हम लोग काफी जो है वो सुरखरू होंगे इस चीज से। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हम लोग जो है ये उसकी अमानत जो उस तक पहुंच जा सके, जिस तरह ये इसकी फ्लाइंग होती है ना स्पीड से, बड़ा मजे का बना हुई है, और उसी तरह जो है ये वहां पे जा सके। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा लाजमी। बाकी हम लोग रात का कासिम भी आया हुआ है, उसके भी जो ओपिनियन लेते हैं वो क्या कहता है, उसकी क्या राय है, और आसम भाई तो पहले ही इधर वारागर्दी कर रहा है, तो उसकी भी उससे भी पूछते हैं कि वो क्या कहता है। चले चलते अब आसम के पास और कासम के पास। तो मैं जरा अभी
इसको कासिम को बुलाया, तो सबसे पहले तो इससे भी ऑनलाइन जो ऑनलाइन भी एक दफा मुलाकात हो जाए भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और जो इतने दिन मैं नहीं आ सका उसके लिए भी माजरत, मैं इधर इस्लामाबाद में था, खैर अभी मैं आ गया तो अभी आप अमूमन आप अक्सर मुझे देखते रहेंगे। खैर अभी लाए हुए थे पापा जहाज, आपको बता रहे थे तो ये जहाज हमें मिला है रोड के ऊपर गिरा हुआ, लेकिन हम लोग इसमें कंफ्यूजन है, तो आपकी क्या राय है कि इसको क्या करना चाहिए? मैंने ना रात को देखा हुआ था ना इधर पड़ा हुआ, तो वो अब्दुल्ला मुझे बता रहा था कि तायबू लेके आए और ये इस तरह ना, मैं कहा मजे की चीज है, तो मैं तो इसको उड़ाने के चक्रों में था कि सुबह उड़ाऊंगा, बैटरी निकाल के मैंने रखी थी चार्ज करता हूँ, फिर मुझे पता चला कि ये रास्ते में किसी की अमानत एक तरह से गिरी हुई थी, तो इनको मिला रास्ते में से, तो मैंने पकड़ लिया कि सुबह रिटर्न कर देंगे जिसका भी। तो खैर अभी तो यही चल रहा है कि कश्मीर की क्या करना चाहिए, रिमोट खैर इसका नहीं, मैं तो कह रहा था कोई मसला नहीं, इस फ्रीक्वेंसी पे मैच कर लेंगे कोई ना कोई, अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इतना तो कुछ कर ही सकते हैं, तो खैर इन्होंने कहा कि नहीं जिसका है ना उसको पहुंचाना ज्यादा जरूरी है, तो अगर हमें चाहिए होता हम पकड़ लेंगे और ले आएंगे, तो खैर अभी ये हम सोच रहे हैं कि जिसका भी ये है उसको ये वापस कर दें, अब जाहिर सी बात है उड़ाते उड़ाते आवाज इधर उधर हो जाता है, मे बी बैटरी लो हो गई हो गया इस तरह कुछ, तो रेंज से भी आउट ऑफ रेंज भी हो सकता है उसमें मसला, क्योंकि कल हवा भी जो है पिछले टाइम काफी तेज थी, तो उस वजह से जो ना ये आउट ऑफ रेंज भी हो गया, तब भी गिर सकता है उसमें कोई मसला नहीं है, तो अभी हमारे पास उसके अलावा मेरे ख्याल में कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम लोग वहां तक उसके उस बंदे तक जो हमारी रसाई हो सके, तो यही एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास यूट्यूब का कि हम लोग इस पे वीडियो बनाते हैं, और आप लोग जो है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो हमारे उस बंदे तक जो पहुंच सके, मेरे ख्याल में यही एक पॉसिबल है तरीका है, और कोई बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है, यही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अब बंदा तो इस तरह तलाश करना बड़ा मुश्किल है, या तो मस्जिद में जो स्पीकरों में ऐलान किया जाए तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता, तो अभी ये है कि जाते हुए अगर वहाँ पे चक्कर लगे ना तो शायद ही साथ है, तो एक दफा पूछ लेंगे वहाँ पे, नहीं इस तरह कोई बंदा नहीं बता, जरा जो भी पूछेगा जो भी कहेगा वो कहेगा मेरा है, इस तरह कर सकते हैं लोग, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि वहां तक जो है ना उस बंदे तक ये वीडियो पहुंच सके, और हमें वो कमेंट सेक्शन में बताएगा तो हम लोग इंशाल्लाह जरूर उसको जो ना, हमें तो पता नहीं कौन से इलाके में ये इसके करीब करीब जो इलाका होगा वो बताएगा, तो हम लोग इंशाल्लाह जरूर उस तक जो ये उसकी अमानत पहुंचा सकते हैं, तो चीज अच्छी है जिस किसी की भी है, तो वापस को जाना भी इसलिए ज्यादा जरूरी है, अगर नॉर्मल सी चीज होती तो मे भी इतना हम ना गौर करते, तो ये है कि अब जो भी है वो खाली रिमोट से अब देख के दुख देख रहा, रिमोट को देख उससे दुख हो रहा है, तो हमने सोचा कि चीज अच्छी है जिसकी भी है उसको रिटर्न हो जाए, तो बस आप लोग बेशक शेयर कर दो या जैसे भी बस उस तक पहुंच जाए तो हम उसका रिटर्न कर सकते। सही बात। तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, मसलन यूट्यूब पे या फेसबुक पे, ट्विटर पे, टिकटॉक पे, कैसे भी आप शेयर करें तो ये वीडियो इंशाल्लाह वहां तक पहुंचे, हम लोग इंशाल्लाह जरूर उस तक ये उसकी अमानत जरूर पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। अब आज जो चलते हैं अभी बाइक का काम करवाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह अभी दुकान खुल गई होगी, तो चलते हैं वहां पे, आज कंस्ट्रक्शन का काम तो बंद है। सो मेरे ख्याल में अभी काफी डिस्कस हो गई, असद से भी पूछ लिया और कासम से भी पूछ लिया, मेरे ख्याल में आसम से पूछने की जो ना वो मेरे ख्याल में वो क्या कहते हैं ना इंडिया में एक जुबान में कहते हैं ना आवश्यकता नहीं है, यानी कि जरूरत नहीं है, खैर तो, उसका भी ओपिनियन यही है कि इसको रिटर्न किया जाए, वही होगा अब्दुल्ला लोगों से पूछेंगे तो वो तो यही कहेंगे कि अब इसकी बैटरी निकाल के तो मैं ऐसे हाथ से बढ़ाऊंगा, तो इसलिए बस ये है कि अब इसको यहाँ पे हम इस बात को खत्म करते हैं, और ये है कि जिस किसी का है तो बस कॉन्टेक्ट कर लेंगे इंशाल्लाह उसको वापस कर देंगे, आपके हमारे हमारे पास सेफ है जितने दिन हमारे पास पड़ी हुई है, और जब हमने इसको डिस्कार्ड करना हो या कुछ करना हो तो फिर एक वीडियो से शेयर करके आपको बता देंगे। सही है, सो भी इस जहाज को जो है ना कहीं पे सेव कर देते हैं घर में, और हम लोग निकलते हैं अपना बाइक लेके जाके बाइक का काम करवाते हैं इंशाल्लाह, और फिर भी वहां पे जाके उस इलाके की और सूरते हाल की देखेंगे, वहां पे देखेंगे कि इसकी कोई हवा निकलती है या कोई बंदा पूछता है, तो फिर भी इंशाल्लाह हम लोग उसको जरूर वापस करेंगे, और आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे कि हमने वापस कर दिया और बंदा कौन था ये भी जरूर बताएंगे इंशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच गया हूँ मोटरसाइकिल की दुकान पे, जहाँ पे अपना बाइक जो वो ठीक करवाना है, तो अभी आ गया इधर और मैकेनिक भाई से पूछते हैं कि जो है ना इसका काम कितना टाइम लगेगा, और सामान लाए या नहीं लाए, और क्या क्या इसका काम करना पड़ेगा वो सब देखते हैं, और मुझे आज पता है कि इसमें मोबिल ऑयल तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ऑयल जो है वो कल परसों से दो तीन दिन से जो है वो टिक 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 की आवाज़ कर रहा था, और जहाँ पर भी गाड़ी खड़ी करते थे तो वहीं पर वो टिप टिप जो है ना मोबिल ऑयल उसका गिरता था, तो आज तो बिल्कुल नहीं होगा मोबिल ऑयल, फिर भी चेक करते हैं खोलते हैं, जब खोलेंगे तो मोबिल ऑयल भी आपको दिखाएंगे कि बिल्कुल नहीं होगा मोबिल ऑयल बल्कि, तो अभी खुलवाते हैं बाइक
और सामान का जो सारा इंतजाम उसने करके रखा हुआ पहले से ही। अभी बाइक जो वो खुलवाते हैं और फिर आप लोगों के साथ इंशाल्लाह बाकी का सारा प्रोसेस का शेयर करेंगे आज इंशाल्लाह। सारी मार्केट जो ये वाली तकरीबन बाइक की वो बंद थी, तो इसको आज जुमे के दिन जो ना मैंने स्पेशल बुलाया कि यार मेरा जो ना बाइक का काम हर रोज पेंडिंग पे जा रहा है, आए दिन हर रोज लेट हो रहा है, तो आज जो लाजमी करना है, आज बहुत स्पेशल बुलाया इसको। तो इसके लिए टूल वगैरह जो वो आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी खोलने लगे हैं बाइक अपना, देखे कितनी बुरी हालत हो गई। अभी मेरे को 5-7 मिनट हुए लागे खड़ा किया इधर, और ये देखे नीचे मोबाइल के कतरे जो वो नीचे गिर भी गए। तो इस तरह इसको अभी खोलते हैं और फिर देखते हैं इंशाल्लाह। जो सा जी कल बहुत जड़ा ने धोखा होया सा, क्या हुआ कल? आप मुझे कल का टाइम दिया, आप आए ही नहीं। कम कल एक काम जरूरी आ गया था, ये काम पे चले गए थे, इनको टाइम नहीं दे सके। चले खैर वो कोई बात नहीं, आज इंशाल्लाह कल की कसर आज निकाल देंगे, टेंशन नहीं लेनी है। अभी जो ना ये खुलवाते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है और क्या क्या इसका सामान चाहिए होगा, वो भी इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई मुश्किल नहीं। तो अभी खुलवाते हैं फिर देखते हैं इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह सफाई जो है वो बिल्कुल सही और बेहतरीन तरीके से कर दी है। अभी इसकी जो आयल सीलम वगैरह जो कौन सी है, कौन कौन सी लेके आए हो? ये सारी सीलें हैं इसकी। अच्छा, पूरी किट इसकी आ गई है? हाँ जी, किट आ गई, रिंग भी है साथ में, ये छोटा रिंग भी है, बड़ा रिंग भी है। सही हो गया ये, यानी कि ये सारी रिंग किट जो इसकी यही है? ये इसकी सिलिकॉन, ये सिलिकॉन आ गई इसके लिए। सही, सिलिकॉन लगेगी, बेहतरीन काम हो जाएगा, तसल्ली बख्श। और इसके बाद ऊपर वाला काम करेंगे, ये कर लें फिर पहले। हाँ, फिर ऊपर वाला जो रिंग इसका टैपर कवर का ध्यान दिया, फिर बाद में किया जाएगा, इसका बाद में किया जाए, पहले इसका कर लें फिर उसके बाद। सही भी बोलते हैं कि अभी जो है मैग्नेट का, जो मैग्नेट की सीलिंग वगैरह वो डलेंगी, उसके रिंग वगैरह जितने हैं वो डलेंगे, उसके बाद जो है ना ऊपर टैपर कवर का ध्यान जो है वो खोल के तो दोबारा नया लग जाएगा। सो काम काफ़ी लंबा काम था, सफाई वगैरह भी की, सिलिकॉन वगैरह पहले जो लगी हुई थी पहले, तो वो भी अलहमदिल्ला निकल गई। अब दोबारा नए सिरे से जो है ना वो उसको दोबारा जो ना लगा रहे हैं, सीलिंग वगैरह सारी की सारी मुकम्मल कर रहे हैं अलहमदिल्ला। बताएं अब कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम थी, इसमें खराब किया गया था, कहां कहां से ये लीकेज था, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे भी बताएं और मेरे व्यूअर्स को भी जरा वो बताएं कि इसमें प्रॉब्लम क्या थी। इंशाल्लाह सबको बताएंगे। सबसे पहले तो इसकी जो ये गेम की पिन होती है ना इसमें, अच्छा ये जो ये गेम है इसकी पिन है, ये अंदर गेम है, ये इसकी पिन है, इसका जो रिंग था ना वो खराब हो गया था। अच्छा, यानी कि रिंग जो इसका वो हार्ड हो चुका था, जिसकी वजह से आयल उसका जो वो निकल रहा था। जी जी, ठीक हो गया। दूसरी ये थी कि इसकी जो कॉइल गुच्छे की प्लेट है ना, मैग्नेट प्लेट जो है जो इसके अंदर सील होती है, ये देखो ये सील हार्ड हो चुकी है। सही बात है, ठीक होता है। नीचे भी एक छल्ला है, इसका रिंग है, ये देखो। हाँ, वो नीचे वाला रिंग भी वो भी लीक हो गया, इसलिए ये सारा मामला खराब हो गया है। उसके बाद ये भी देखो, टैपर कवर का जान भी जो वो लीकेज है थोड़ा सा ऊपर से, ये भी डाल जाएगा अभी नया। इसमें भी और जो भी काम होने वाला था वो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लाजमी करवाएंगे, ताकि दोबारा जो है ना बाइक वो लीकेज का काम जो है ना वो नहीं होना चाहिए।
साहब को बोला कि ये सारा का सारा काम जो है एक ही दफा कर दो ताकि बार बार जो है वो लीकेज वाली जान छूट जाएगी हमारी। अभी जो व्यूअर्स टैपर्ड कवर का जो जैन है ये साफ कर रहा है, पहले साफ करने के बाद इसको खोल के तो इसका रिंग जो वो डल जाएगा इंशाल्लाह। इस साइड से साफ हो गया और इस साइड से भी जो वो अल्हम्दुलिल्लाह साफ हो गया, बाकी नीचे का काम जो वो मुकम्मल है। अभी वो उसका टापा जो वो साफ करना है साइड जो है इसकी, तो उसके बाद इसको फिटिंग किया जाएगा इंशाल्लाह। मोटरसाइकिल जो है ऐसे काफी गंदा हुआ है, इसीलिए इसको सर्विस नहीं करवाया था कि ताकि इसकी जो लीकेज वगैरह वो पता चल जाए, उसके बाद जो है इसको सर्विस करवाया जाएगा। देखिए सारी की सारी मिट्टी लगी हुई है। अभी जो है इसका काम हो गया इंशाल्लाह, तो एक या दो घंटे इसको रेस्ट देने के बाद उसके बाद इसकी सर्विस करवाई जाएगी ताकि ये बिल्कुल सही साफ सा निकल आए, क्योंकि काफ़ी सारा गंदा हो चुका है और मोबाइल वगैरह काफ़ी लीक होता था, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अब इसका लीकेज का काम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। अब इसकी फिटिंग बाकी जो है थोड़ी बहुत रह गई है वो करवाते हैं, उसके बाद निकलते हैं जाके सर्विस करवाते हैं इसको, फिर उसके बाद कहीं और काम के लिए। माशाल्लाह और देखिए इसका टापा भी जो बिल्कुल सही साफ हो गया और पेट्रोल से दो दिला के ये वायर की फिटिंग जो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई। तो वर्जा अल्हम्दुलिल्लाह मोटरसाइकिल जो हमारा ऑयल वगैरह डल गया उसमें और स्टार्ट कर दिया, साउंड भी बिल्कुल सही है अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं लीकेज नहीं है कुछ भी, ऐसा बिल्कुल फिट हो गया, साफ सुथरा हो गया मोटरसाइकिल। अभी जाके इसको सर्विस करवाते हैं उसके बाद बाकी का देखेंगे इंशाल्लाह। सो वर्जा सारा काम जो अल्हम्दुलिल्लाह मोटरसाइकिल का हो गया, ऑयल भी चेंज हो गया, बाकी उसका जितना टोटल काम था लीकेज का रिंग वगैरह डलने थे, जो भी उसका टैपर कवर का डिजाइन था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अभी चलते हैं इससे जाते हैं इजाज़त और जाके गाड़ी की सर्विस करवाते हैं, फिर उसके बाद एक दो दिन चलाएंगे तब देखेंगे कि दोबारा इसमें लीकेज है या नहीं है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों ने भी काफ़ी इन्जॉयमेंट किया होगा हमारा ये मोटरसाइकिल का काम खुलते हुए देखा सारा और दोबारा उसकी फिटिंग वगैरह और उसको साफ़ सुथरा होते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा काम ये भी हो गया, लेकिन तीन दिन के बाद हुआ, हर रोज़ कहते थे आज जाएंगे कल जाएंगे आज जाएंगे, आज अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल काम हमारा मुकम्मल हो गया। सो भी चलते हैं गाड़ी की सर्विस करवाते हैं, उसके बाद जाएंगे शाम को घर और असद भाई को फ़ोन करके पता कर लेंगे अगर कोई चीज़ चाहिए होगी तो उसके लिए वो चीज़ें लेके जाएंगे, अदरवाइज चलते हैं घर, फिर उसके बाद असद से मुलाकात करेंगे और आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे बाद में। बाकी देखते हैं कि असद भाई के साथ क्या गपशप होती है आज की, इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बॉस, क्या हाल है? ठीक हो? खैर करिए और सुनाओ, तबीयत से फिट हो? सर 8 बज गए हैं। तो मेडिसिन वगैरह का क्या किया और क्या सूरत हाल है? मॉर्निंग में खा ली थी, अभी शाम को ठहर के खाते हैं कुछ टाइम। खाना वगैरह खाया कि नहीं? अभी दोपहर में खाया था, शाम को दोबारा से खा लेंगे। दोपहर का खाना खाया था? अच्छा, ये अभी शाम का बाकी है, शाम को थोड़ा सा खा के मेडिसिन खा ले। सही, आज इंजेक्शन वगैरह तो कोई नहीं है? इंजेक्शन खत्म हो गए? खत्म हो गए। सो वर्जा असद भाई को जो और कोई चीज़ नहीं आज ज़रूरत थी और मेडिसिन वगैरह भी है अल्हम्दुलिल्लाह, इंजेक्शन जो है वो ख़त्म हो गए
अब ड्रिप और किनोला वगैरह का जो भी काम था वो खत्म हो गया। ऐसे ही असल भाई चले खैर अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज मैंने अपने बाइक का काम भी जो है वो करवा लिया। हालांकि आज जुमा था तो जुमे के बाद जो है ना हम लोगों ने काम वगैरह करवाया उसका, उसको बुला के मैकेनिक को, अल्हम्दुलिल्लाह काम जो परफेक्ट हो गया, बाइक जो वो सर्विस भी करवा दिया। और आज सुबह जब वीडियो का स्टार्ट किया था तो आप लोगों को बताया था कि हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हमारा वो जो जहाज है वो जिस दोस्त का, जिस भाई का, जिस बच्चे का है वहां तक ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करे और हम उस तक जो ना उसका जहाज जो वो बचा सके। क्योंकि किसी बंदे ने अगर लिया तो बड़े शौक से लिया होगा, शायद पता नहीं उसने कितने दिन पहले लिया या क्या हुआ, और ये हमें मिल गया, हम चाहते हैं क्या वहां तक जो ना वो दोबारा उसके पास रिटर्न पहुंच जाए। तो हमारी वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उस तक हमारी ये वीडियो पहुंच सके और हम उसको ये वापस कर सकें, क्योंकि ये उसकी अमानत समझ लें या जैसे भी, हम कोशिश करेंगे कि ये जहाज उस तक उसका पहुंच जाए लाजमी। आई होप आप लोगों को हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्त से अहबाब के साथ। और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और वीडियो को शेयर करना काइंडली मत भूलिएगा ताकि हमारी ये कावज पूरी हो सके। सो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल कीजिए, फी अमान अल्लाह, सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।